नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त है और गार्डन में फूल खिलने शुरू हो गए, मतलब पूरे खिले नहीं है अभी, जो भी खिले हैं मैं आपको दिखा दूंगी अभी। लेकिन दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैना लिली के प्लांट्स के ऊपर, जिसको कि केली भी बोल देते हैं। और ये दोस्तों मेरा गमले में लगा हुआ है, क्यारी में तो मैंने आपको लगे हुए बहुत बार दिखा रखे हैं, लेकिन कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम पोट में लगता नहीं है या फ्लावरिंग नहीं होती, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों मेरे ये जो प्लांट है गमले में लगा हुआ है और एक बार नहीं, इसमें हजारों बार फूल आ चुके हैं और हर बार जब इसका सीजन खत्म होता है मैं इसकी कटाई छटाई कर देती हूँ और फिर से नई नई ग्रोथ आने के बाद इस पर फ्लावरिंग होती है। और बिल्कुल ये गमले में ही लगा हुआ है, ये देखो कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। थोड़ी थोड़ी पत्तियां आपको इसकी बर नजर आ रही होंगी, जैसा कि गर्मी का मौसम है ही, तो बिल्कुल इसमें तो खैर हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद। और बिल्कुल दोस्तों, अभी अभी मैंने इसमें पानी दिया है, क्योंकि कल मैंने इसमें पानी दिया नहीं था, कल बरसात आ गई थी अच्छी खासी और आज वैसे इसकी मिट्टी सूखी हुई थी, तो इससे ये मतलब हुआ कि प्लांट्स को पानी बहुत पसंद है। तो दोस्तों ये गमले में ही लगे हुए हैं और अगर आप एक बार इसका कोई भी प्लांट निकाल के, छोटा सा बेबी प्लांट निकाल के लाके अगर आप गमले में लगा देते हो तो फिर अपने आप ही ग्रो करता रहता है, ये मल्टीप्लाई होता रहता है। फिर उसके बाद आप छोटे छोटे पब्स निकाल निकाल के मतलब अलग अलग जगह पे लगा सकते हो, चाहे क्यारी में लगाओ चाहे गमले में लगाओ। तो ये टाइम दोस्तों इसका ग्रोइंग टाइम चल रहा है, मतलब ये समझ लो जिस प्लांट पे फ्लावरिंग होनी शुरू होती है ना, ये उस प्लांट का ग्रोइंग सीजन चल रहा होता है। और उस वक्त अगर आप प्लांट लगाते हो तो मरने के चांसेस या उसके खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बिल्कुल ये वक्त अच्छा भी है, बरसात का मौसम है, नए नए प्लांट आप लगा रहे होंगे। और दोस्तों ये प्लांट इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है सबको, चाहे गार्डन में लगा हुआ हो, चाहे क्यारी में, चाहे पोट में, क्योंकि जो इसके फ्लावर का साइज़ है ना वो इतना बड़ा होता है और दूसरा जो इसकी पत्तियों का कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में आता है, एक वेरीगेटेड होता है। उसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही, नहीं तो मैं आपको दिखाती। तो इसमें अभी गमले में फूल आया है, तो ये देखो इसकी पत्तियों का कलर भी कितना खूबसूरत है ना, हल्का सा मैरूनिश और ग्रीन लिए हुए, ये देखो है ना। तो मतलब इसके पत्तियों में भी इतनी प्यारी प्यारी शेड्स आती है, भले ही फूल भी ना खिलाओ ना, ये प्लांट वैसे भी आपके गार्डन में लगा हुआ हो चाहे गमले में चाहे क्यारी में, तो इसकी पत्तियां ही इतनी खूबसूरत लगती हैं। और पत्तियों का साइज दोस्तों इसका और जो इसका मतलब पैटर्न है और जो इसका एक टेक्स्चर है पत्तियों का, वो और प्लांट की पत्तियों से थोड़ा अलग है ना। कितनी लंबी लंबी लीव्स हैं इसकी और कितना सुंदर ग्रीन कलर, या चाहे वेरीगेटेड में हो तो एक पैटर्न सा बना होता है लीव्स में, या इस तरह की मैरून से वाली हो तो कितनी अच्छी लगती है वैसे ही देखने में, अगर फ्लावरिंग भी ना हो। लेकिन बस जब आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे इस प्लांट के ऊपर, तो मैं भी इसके दोस्तों फूल आने की वेट कर रही थी। मैंने कहा एक बार फूल आ जाए फिर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग ना बहुत नए हैं गार्डनिंग में, उनको प्लांट्स के नाम भी नहीं पता, और जब एक फूल को और पूरे प्लांट को अच्छे से देख लेते हैं तो उनकी समझ में आना थोड़ा आसान हो जाता है। तो वैसे तो पता नहीं मैंने कितनी बार इस प्लांट पे वीडियो बना रखी होगी, क्यारी में भी इतने सारे फूल खिले खिले दिखा रखे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ क्यारी वगैरह नहीं है, कच्ची जमीन नहीं है, तो ये देखो भाई ये गमले में ही लगा हुआ है, गमले में ही फ्लावरिंग हो रही है, पहले ही फूल आया है अभी इसका, और अब तो बहुत सारे आएंगे अभी देखना जब मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। तो गमले में भी बहुत अच्छे से चलते हैं ये, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि गमले में आपके फ्लावरिंग नहीं हो रही, इसको प्रॉपर जगह पे रखो, धूप वाली जगह पे रखो। कई बार आपने ये सोचा होगा कि मेरा प्लांट खराब ना हो जाए और आपने शेड में रख दिया होगा, तो दोस्तों शेड में फ्लावरिंग थोड़ी सी यानी कम हो जाती है, भले ही थोड़ी थोड़ी पत्तियां इसकी बर्न हो रही हैं धूप में रखने की वजह से, लेकिन दोस्तों फूल इसमें धूप में रखने से ही खिलेंगे। और बहुत दोस्तों इजी टू मेंटेन प्लांट है, ड्राउट रेजिस्टेंट है, पानी देखो इसको भले ही पसंद है, लेकिन अगर एक दो दिन अगर हम पानी देते नहीं है तो ये मरता भी नहीं है, और पानी इसको वैसे अच्छा लगता है। तो ये प्लांट दोस्तों ऐसे प्लांट हैं जो कि मौसम को तो झेलते ही झेलते हैं। दूसरा मतलब ये है जो आपका वेस्ट वाटर होता है ना, जैसे आपने क्यारी में लगा रखा है, तो जैसे सफाई के बाद पानी बचता है या किचन के काम का जो पानी बचता है उसकी अगर आपने पाइपलाइन इन प्लांट्स में छुड़वा रखी है, या आप कपड़े वगैरह धोते हो वॉशिंग के बाद जो पानी बचता है ना, उसकी अगर वाटरिंग का जो सिस्टम है वो आपने अगर अपने प्लांट्स में कर रखा है,
तो उस एरिया में अगर जहाँ पे एकदम वाटर गिरता ही है ना, वहाँ पे अगर आपने प्लांट लगा रखे हैं ना, तो इसकी खूबसूरती देखते ही बढ़ती है। मैंने बहुत जगह देखा है और मैं खुद भी करती हूँ ऐसा। तो आप अगर इस तरह से लगाते हो ना, तो ये ऐसा नहीं है कि आपका प्लांट खराब हो जाएगा। कुछ प्लांट का हमें ऐसा होता है कि ज़्यादा पानी पसंद नहीं करते, हम ऐसी जगह अगर प्लांट लगा दें तो खराब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते हैं अगर आप ऐसी जगह पे प्लांट लगाते हो जहाँ पे आपका जो भी यूज़ किया हुआ वाटर है उसका आउटलेट है, तो बिल्कुल आपको उसे वेस्ट नहीं जाने देना। अगर आप नया घर बनवा रहे हैं तो इस तरह से सिस्टम कराओ कि जो भी आपका किचन का पानी है और जो अभी आपका वॉशिंग का पानी है ना, वो आपके प्लांट्स में ही आए, आपकी क्यारी में ही आए। तो इससे क्या होगा, और जहाँ पे वो पानी गिर रहा है ना, वहाँ पे अगर ये प्लांट आप लगा देते हो तो इनको बिल्कुल नुकसान नहीं होता। इनको इनके लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता है बल्कि वो। तो बस अभी तो बीज तो नहीं आए, इस पे बीज आते हैं दोस्तों, इसके काले काले से, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। जब इसके फ्लावरिंग का सीजन खत्म हो जाता है ना, छोटे छोटे लट्टू से बन जाते हैं, उसके अंदर ब्लैक कलर के बीज होते हैं। काली मिर्च थोड़ी रफ होती है, लेकिन इसके बीज जो होते हैं दोस्तों मोटे मोटे ब्लैक ब्लैक प्लेन होते हैं एकदम, और बहुत सुंदर लगते हो बीज भी इसके। तो उससे भी आप इसको उगा सकते हो, लेकिन सबसे इजी मेथड है कि इसके छोटे छोटे पब्स ही नीचे से निकलते रहते हैं नई नई ग्रोथ, तो उसको निकाल निकाल के आप कहीं कहीं जगह लगा दो। अगर आपके पास येलो कलर है तो आप रेड उसके साथ लगा दो, और एक दोस्तों वेरीगेटेड में ऑरेंज वगैरह कलर के पैटर्न आते हैं वो लगा दो, बहुत सुंदर सुंदर शेड्स आती हैं इसमें। तो मिक्स एंड मैच करके भी अगर आप लगाते हो तो मल्टी कलर की अगर फ्लावरिंग होगी तो बहुत सुंदर लगेंगे। तो बिल्कुल ये वीडियो मैंने पोर्ट के लिए बनाया, और कुछ दिनों से दोस्तों मैं पोर्ट के लिए जान के बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास यही कमेंट आते हैं कि मैम ये वाला प्लांट हमारा पोर्ट में नहीं चलता, और हमारे पास कच्ची ज़मीन नहीं है तो हम कैसे लगाएं। तो मैं जान जान के पोर्ट पे ही बना रही हूँ, ताकि बिल्कुल बरसात का मौसम है दोस्तों, और बिल्कुल आपको कोई भी हेजिटेशन ना हो कि हमारे पास क्यारी नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो आप गमलों में भी लगा के प्लांट्स को अपना शौक पूरा कर सकते हो। अभी मेरे ख्याल से एक दो दिन पहले मैंने कड़ी पत्ते का भी बनाया था, है ना, एक बार वो भी देख लेना, वो भी बहुत सुंदर प्लांट है दोस्तों। और मतलब सुंदर क्या है, मतलब हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, एक तरह का ना है जैसे तुलसा जी लगाते हैं घर में हेल्थ के लिए, बेनिफिट्स के लिए, तो इस तरीके का ही प्लांट समझ लो दोस्तों। और एक बार वो वीडियो भी देख लेना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने पोर्ट में ही लगा हुआ दिखा रखा है वो भी। तो ये आप देख रहे हो कैना लिली का, कितने सारे मैंने एक ही छोटा सा लगाया था इसमें, और फिर बढ़ बढ़ के ना अपने आप ही ऐसे ग्रो करते रहते हैं। फिर इनमें से आप कोई भी निकाल के, जो भी छोटा सा हो बिल्कुल, अगर जरा सी भी रूट उसके साथ आ जाती है ना, जरा सी भी कहीं से भी आप निकालते हो तब भी ये ग्रो कर जाएगा। अगर जरा सी भी गांठ आ जाती है तो इसके नीचे ना दोस्तों, अरबी जैसी गांठ तो नहीं कहती मैं, एक अजीब सा टेक्स्चर सा होता है इसकी रूट सिस्टम का, तो उसका अगर छोटा सा भी पोर्शन अगर निकालते वक्त आपका आ जाता है तो फिर आप कहीं भी लगा सकते हो उसको। तो ये देखो, ये आज इसका फूल भी खिल गया है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि गमले में आपके फूल नहीं खिल सकते, तो बिल्कुल आप इसको लगाओ, और बहुत सुंदर प्लांट है दोस्तों। और मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा, मट्टी वट्टी की ऐसी कोई चिंता नहीं है इसकी, कैसी भी मट्टी में ग्रो कर जाएगा, और सनलाइट में आपको रखना ही है इसको, और डेली इसको वाटरिंग करनी है क्योंकि तभी सूख जाता है ये, पानी इसको बहुत पसंद है। और ये जो और फूल खिले हुए हैं सुबह सुबह, अभी खिले नहीं है बिल्कुल, सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, बस ये देखो आधे खुले आधे बंद है अभी, और कुछ बादल से भी हो रहे हैं आज, तो अभी खिल जाएंगे। लेकिन ये तो ये देखो सारे वेस्ट डब्बों में मैंने टांग रखे हैं, और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं लगे हुए भी। और जब मल्टी कलर के फूल खिलते हैं इनमें तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये अपने मैक्सिकन पेटूनिया वाइल्ड वाले होते हैं, जो जंगली वाले होते हैं, है ना, ये फूल भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बस अगर आपने अपने गार्डन में दोस्तों एक कलर फुल सा माहौल ऐड करते हो तो आपको दिखने बहुत सुंदर लगता है। कई बार ना हम बहुत चूजी से हो जाते हैं कलर में, है ना, कि हमारे गार्डन में वाइट ही कलर होना चाहिए, पर्पल होना चाहिए, वो भी अच्छी बात है, लेकिन मेरी अपनी पसंद है, मुझे मल्टी कलर वाला गार्डन ज़्यादा अच्छा लगता है। मल्टी कलर के पोट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मल्टी कलर के हैंगिंग प्लांटर्स अच्छे लगते हैं, एक कलरफुल सा माहौल, और उसके बाद जो कलरफुल फ्लावर्स निकलते हैं आपके, है ना, बिल्कुल एकदम गुलदस्ता सा लगता है। और जिसका मोगरा भी था, अभी मोगरे पे मैंने बना दिया था, एक बार देख लेना, मोगरे में ही ये फ्लावरिंग हो रही है, और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही थी ये, और गमले में ही लगा हुआ है, एक बार वो वीडियो भी देख लेना। और ये ऊपर सब में मैंने कहा है ना, अभी खिले नहीं है, अभी सुबह सुबह का टाइम है, अध खुले से अभी ये, जैसे हल्की सी धूप आएगी ना फिर खिल जाएंगे ये।
बस सुबह सुबह मैं गार्डन में कुछ कुछ करती रहती हूँ, तभी मैं वीडियो बना देती हूँ आपके लिए। और ये येलो वाले पर्सलिन वाले, ये भी कितने अच्छे लग रहे हैं। ये भी अभी अभी ये थोड़े खिले हैं, अभी खिल जाएंगे ये। और पूरी जब दोपहर होगी ना तब तो इतने सुंदर लगेंगे ये, सारे पूरे के पूरे खिले होंगे। और ये देखो सदाबहार भी कम नहीं लग रहे अपने, है ना, कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये देखो इसने इसको ढक लिया भाई, मैक्सिकन पेटोनिया को इसकी कटिंग लगाई थी मैंने, देखो कितनी अच्छी चल रही है ना। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों मिक्स हो गए, पर्पल और वाइट। तो मुझे मिक्स और मैच ज़्यादा अच्छा लगता है गुलदस्ता सा बनना। और दोस्तों इस मरवे के तो जिसके भी कमेंट आ रहे थे, तो एक बार आप नर्सरी से ले आओ, अगर आपके पास नहीं है फिर तो दोस्तों आपके बीज गिर गिर के ना, ये देखो जैसे बीज है ना, ये देखो रुको अभी दिखाती हूँ, ये देखो ये काला सा निकला है ना, जो ये ब्लैक ब्लैक से, ये इसके सीड होते हैं दोस्तों मरवे के, स्वीट बेजिल बोलते हैं जिसको। और ये देखो इसके अपने आप गिर गिर के तो कितने सारे प्लांट उग रहे हैं यहाँ पे। तो एक बार अगर आप ले आओगे इसको, और दोस्तों जैसा कि मैं कड़ी पत्ते को और तुलसा का बोल रही थी, तो दोस्तों ये इतना अच्छा प्लांट है हेल्थ के लिए, आप इसके बारे में सर्च करना, मैंने वीडियो बना रखा है। और बिल्कुल दोस्तों गर्मी का तो रामबाण है ये, गर्मी में अगर आप इसकी मरुए की पत्तियां अपने खाने में यूज करते हो, और कुछ नहीं तो इसकी चटनी बना लो ये कैरी वगैरह डाल के, तो बिल्कुल जो जिगर वगैरह पे गर्मी हो जाती है, जिसको नक्सीरी वगैरह छूटती है और है ना वोमिटिंग लगती है गर्मी में, तो सारी की सारी समस्याएं खत्म। मतलब ये समझ लो गर्मी के लिए तो रामबाण है एक तरह का, ये तो सबके घर में होना ही चाहिए। और देखते हैं कौन से फूल खिले हुए हैं। और ये देखो डब्बे में कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं, छोटा सा डब्बा है, और ये देखो कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इस पे। प्लास्टिक का है छोटा सा, कोई ज्यादा मट्टी भी नहीं है इसमें, बस आप थोड़ा सा ना, अगर दोस्तों आपने सब कुछ कर रखा है और फिर भी आपके फूल नहीं खिल रहे हैं ना हिबिस्कस पे, तो बस एक ही बात है कि उसकी जगह बदल दो आप। कई बार दोस्तों ऐसी जगह पे प्लांट रखा होता है जहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो इतना अच्छा एरिया नहीं होता, तो आप अगर उसकी जगह बदल देते हो तो भी मुझे लगता है फ़र्क पड़ना चाहिए। एक बार करके देख लेना ये भी आइडिया, क्योंकि मैंने एक दो प्लांट्स पे किया ना तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई। फिर जैसा कि ये प्लांट है अपना, इस पर कभी नहीं फ्लावरिंग होती थी, तो फिर मैंने इसकी जगह बदली ना, फिर इस पर फ्लावरिंग होनी शुरू होगी। तो आप भी एक बार ये आइडिया करके देख लो, अगर सारा कुछ कर लिया है तो, जैसे मुझे कई बार बता देते हैं सब, ये भी अभी खिलेगा। तो बस यही आइडिया है दोस्तों, मैं यही बताती रहती हूँ जो मैं खुद करती रहती हूँ। तो बस उम्मीद है आज का केली बोलते हैं जिसको, कैना लीली बोलते हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। और विदा लेते हैं प्यारे प्यारे फूलों के साथ। तो बस दोस्तों इसी तरह से पौधे लगाते रहो, घर को आसपास के वातावरण को हरा भरा बनाते रहो, और अब तो सीजन ही चल रहा है प्लांट्स लगाने का। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।